हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं मिक्स वेज पुलाव। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम कुकर लेंगे और कुकर के अंदर डालेंगे 2 टेबलस्पून ऑयल। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डलेगा, थोड़ा सा इसे गर्म करेंगे। फिर उसको जब ये तेज़ आ जाएगा ऊपर तक, स्मेल इसकी कम हो जाएगी, तो उसको गैस को डिम कर देंगे। अभी हम इसके लिए सामान इकट्ठा कर लेते हैं सारा। हमने यहाँ पे लिया है टमाटर और मिक्स वेजिटेबल्स सारी, पनीर लिया है और ये चिली और मिर्च और अदरक का पेस्ट लिया है। सबसे पहले हम इसमें डालते हैं, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है, इसमें हम डालेंगे सबसे पहले जीरा। जीरा डाल दिया है, अब हम इसमें डालेंगे पनीर। पनीर को सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे हल्का सा। हमें ज़्यादा पनीर को फ्राई नहीं करना है, बस हल्का हल्का करना है जिससे कि ये टूटेगा। देखिए फ्रेंड्स, ये होने लग रहा है। अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे। अब हम इसमें सब सामान डालेंगे। अब हम डालेंगे इसमें अदरक और मिर्च का पेस्ट, टमाटर और एक मिक्स वेज डाल दिया है। अब इसको हम चलाएंगे और इसमें सूखे मसाले डालेंगे, हल्दी, गरम मसाला, थोड़ा सा हरा धनिया, सूखा धनिया और खटाई। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक, जितना आपको कम या ज़्यादा जैसा चाहिए वैसा। हमने ये चावल लिए हैं 1 गिलास, इनको हम पानी निकाल के इसमें डालेंगे। हल्का सा ऐसे भूनेंगे। एक गिलास चावल के साथ हम 1 गिलास पानी डालेंगे इसमें। अब हमने ये पनीर जो कर रहे थे फ्राई, इसको भी डाल देंगे। अभी हम इसमें 1 सीटी आने का वेट करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम इसे ढक्कन लगा के बंद कर देंगे। ओके, थैंक यू। अभी जब तक इसकी सीटी नहीं आती, हम इसे बंद ही रखेंगे। बस 1 सीटी ही लानी है इसमें।
चलिए फ्रेंड्स, अब हमारा पुलाव बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इतने वो रेस्ट कर रहा है, इतने हम बना लेते हैं बूंदी का रायता। ओके, तो पहले हमने यहाँ पे दही ले ली है, इसे हमने घर पे जमाई है। अब हम देखिए इसे विस्पर की हेल्प से इसे चलाएंगे। ओके, अब हम इसमें डालेंगे बूंदी। नमक टेस्ट के अनुसार डालना है नमक, और भुना जीरा। जीरा भी भुन रहा है तवे पे, इसे सब चला लेते हैं। और इसमें डालेंगे मिर्च, रेड चिली। इसे चला लेते हैं रेड चिली को अच्छे से। इसमें बूंदी के रायते में हमारे यहाँ कम ही मिर्च खाई जाती है, हल्की हल्की सी बस। हमने जीरा भून कर पीस लिया है, देखिए फ्रेंड्स। और अब हम इसमें डाल देते हैं इसे। अब हम स्पून की हेल्प से इसे चला लेंगे। ये देखिए हमारा बूंदी का रायता कितना यमी लग रहा है। देखिए हमारा मिक्स वेज पुलाव और बूंदी का रायता बनकर तैयार हो चुका है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं आपसे किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।